लखनऊ जहां पर यूपी दिवस मनाया जा रहा है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वहां पर अपना संबोधन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में उसके सांस्कृतिक, उसके सामाजिक, उसके आर्थिक, उसके शैक्षणिक और जीवन के प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रखकर के उसके विकास के लिए योगदान देने वाली विभूतियों के सम्मान के साथ साथ वहां की लोक परंपरा, यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ की अन्य लोक व्यवस्था से जुड़े हुए सभी पक्षों को एक मंच पर लाने का प्रयास हो और फिर ये कार्यक्रम आगे बढ़ा और आज हम सब इस अवसर पर उपस्थित हैं। जब इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हम सब के यशस्वी नेता के रूप में जिनका मार्गदर्शन हम सबको एक लंबे समय तक मिला और पूरा देश आज इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, आदरणीय सीएम वेंकैया नायडू जी, भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति जी आज हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका इस समारोह में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री राम नाईक जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश दिवस के लिए हम सबको प्रेरणा प्रदान की। राज्यपाल महोदय वैसे भी अनेक कार्यक्रमों के लिए प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं, एक लंबा सार्वजनिक जीवन का अनुभव उनके पास है, वे वयोवृद्ध भी हैं, ज्ञानवृद्ध भी हैं और अपने अनुभव का लाभ न केवल हमारी सरकार को अपितु उत्तर प्रदेश की जनता को उनका प्राप्त होता रहता है। मैं इस अवसर पर उनका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो आज देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होना है तो उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से करनी पड़ेगी। बगैर उत्तर प्रदेश के विकास के भारत का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है, 22 करोड़ की आबादी हमारे पास है, 75 जनपद हमारे पास हैं, 18 कमिश्नरियां हैं, 851 हमारे पास विकास खंड हैं और इतनी बड़ी आबादी को अगर विकास से हम वंचित करेंगे तो सचमुच भारत का विकास नहीं हो सकता। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी की विशेष अनुकंपा उत्तर प्रदेश में होती है कि उत्तर प्रदेश को किसी भी प्रकार से बीमारू राज्य से उठा करके एक विकसित और समृद्ध प्रदेश के रूप में विकसित करना है और उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, आज उन सभी कार्यक्रमों को एक साथ समेटे हुए हम उत्तर प्रदेश के नव निर्माण को लेकर के, उत्तर प्रदेश के अभ्युदय को लेकर के आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। जब आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन और उनके करकमलों से तमाम योजनाओं का शुभारंभ यहां पर होने जा रहा है, लेकिन आखिर उत्तर प्रदेश था कौन, कहां से इसका उदय होता है? अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालेंगे तो कितनी गौरवशाली परंपरा हम सब की है और मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति हो या समाज, अगर वह अपने अतीत के गौरवशाली पलों पर गर्व की अनुभूति नहीं कर सकता तो उसका भविष्य भी बहुत उज्ज्वल नहीं हो सकता है।